लोकसभा चुनाव 2024 में सातवें चरण के मतदान के दिन इंडिया ब्लॉक की दिल्ली में अहम बैठक होगी, जिसमें इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता चुनाव के नतीजे को लेकर समीक्षा करेंगे। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत के आखिरी दिन बुलाई गई है। नई दिल्ली में होने वाली इस अहम बैठक में भाग लेने के लिए इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों को आमंत्रित किया गया है, लेकिन इस बैठक में ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। दिल्ली में 1 जून को इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में नेता चुनाव के नतीजे के साथ आगे की रणनीति को लेकर मंथन करेंगे। बताया जा रहा है कि यह बैठक आपस में एकजुटता बनाए रखने की कोशिश और आगे की रणनीति को लेकर की जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 1 जून तक सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। सूत्रों की माने तो यह बैठक लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन को देखते हुए उसके भविष्य की समीक्षा और चर्चा के लिए की जा रही है। इंडिया गठबंधन की होने वाली इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और सपा प्रमुख अखिलेश यादव सहित अन्य विपक्षी गठबंधन में शामिल सभी दलों के प्रमुखों को बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है, लेकिन ममता बनर्जी ने इस बैठक में हिस्सा लेने से साफ मना कर दिया है। उन्होंने चुनावी व्यवस्था के साथ पश्चिम बंगाल में आज तूफान को बैठक से दूर रहने का कारण बताया है। हाल ही में ममता बनर्जी कई बार इंडिया गठबंधन को लेकर अपना रुख जाहिर कर चुकी हैं और यह तीसरा मौका है जब उन्होंने गठबंधन की मीटिंग में आने से मना किया है। इंडिया गठबंधन की बैठक उस दिन हो रही है जिस दिन लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान हो रहा होगा, इसलिए राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा को पिछले चुनाव से कम सीटें मिलेगी। भले ही भाजपा 400 पार का नारा लगा रही थी, पर यह दावा कर रही थी तीसरी बार सरकार एनडीए गठबंधन की ही बनेगी। वहीं इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि एनडीए बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी और सरकार इंडिया गठबंधन की ही बनेगी। इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर यह सवाल सबके मन में है कि आखिर चुनाव नतीजे के पहले विपक्षी नेताओं की बैठक क्यों हो रही है। इसको लेकर अभी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह बैठक उसे दिन रखी गई है जिस दिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का आखिरी दिन है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार आप पार्टी के लिए चुनाव नतीजे पिछले चुनाव से अच्छे होंगे, जिसमें चुनाव के बाद केजरीवाल की भूमिका अहम होने वाली है। इसलिए उनके सरेंडर करने से पहले इंडिया गठबंधन की शीर्ष नेता बैठक कर भविष्य की रणनीति पर मंथन कर लेना चाहते हैं। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई है तो हमारे चैनल कालखंड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज़ पुख्ता सबूतों के साथ। जय हिंद, जय भारत।